हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो लोग इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर हैं, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेके उनको आगे टुकड़ों में बना के बेचते हैं, तो उसके लिए नक्शा जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं आज आपके साथ नक्शे के बारे में बात करूँगा। ये हरियाणा में किसी ने प्रॉपर्टी ली है और उसका जो उन्होंने नक्शा बनाया है वो बड़े अजीब ढंग से बनाया है। उन्होंने ये नक्शा बनाया, नंबर वन जो डायग्राम बनाई है मैंने, तो मैं ये चाहता हूँ यदि ये इसकी बजाय ये बन जाता नक्शा तो ये सारे इसमें सेलेबिलिटी भी है जो वो बढ़ जाती, मतलब वेस्टेज कम हो जाती। सबसे पहले ये भी नोट कर लो कि बहुत लोग वेस्टेज को वेस्टिंग बोलते हैं। पढ़े लिखे लोग भी अक्विजिशन जो है, अक्वायर शब्द है रियल स्टेट में, अक्वायर को रिक्वायर बोलते हैं। इसको ठीक कर लो, ये अक्विजिशन शब्द होता है और इसमें जो मैं ये कहता हूँ वेस्टेज होती है, वेस्टिंग नहीं होती। तो इसमें जो दो ये डायग्राम है, एक ही जमीन है लेकिन मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। एक तो नक्शा उन्होंने ये बनाया है जो ये नीचे 220 फिट का इसका फ्रंट है रोड का, और इधर 240 + 45 285 और इधर 385 है। उन्होंने इस तरीके से रोड बनाई है, रोड के पीछे 25 फुट रोड दे दी है, ऐसे आगे फ्रंट पे दुकानें हैं, पीछे 25 फुट रोड पे दुकानें दे दी, ये बड़ी दुकानें दे दी, ये छोटी दुकानें दे दी, इस तरीके से करके। ये जो मैंने वेस्टेज निकाली है, वेस्टेज 30 × 60 एक नंबर जो है, ये एक नंबर है, ये 30 फिट की रोड है, 30 × 60 200 गज निकल गई। और ये जो सारी दो नंबर पर बनाया मैंने 220 है, ये 220 को यदि 25 से मल्टीप्लाई करें तो 600 गज। तो तीन नंबर ये आ गई, तीन नंबर का 30 × 60 200 गज, फिर चार नंबर आ गई, ये चार नंबर 220 × 25 फिर 600 गज आ गई, ये और ये फिर आ गई 30 × 60 200 गज। तो टोटल 1800 गज जगह चली गई, जबकि एरिया अप्रोक्सीमेटली इसका 4000 स्क्वायर यार्ड है। तो अब इसमें देखने वाली बात क्या है, या मेरे मुताबिक मैंने इसमें क्या बनाया है? देखो, इसमें कोई 25 फुट पर दुकानें चलानी बड़ी मुश्किल है। पहले वाली बात तो है नहीं कि लोगों के पास साइकिल होते थे, लोगों के पास कोई ज़्यादा साधन नहीं थे। यदि आपके पास अभी कारें हैं और ट्रक आते हैं, ट्रक के लोड होके आते हैं, ट्रक लोड होके जाते हैं, तो 25 फुट रोड है जो कहीं ना कहीं छोटी पड़ती है लंबे ट्रक के लिए, लंबे ट्रॉले के लिए। तो मैंने जो ये नक्शा बनाने की कोशिश की है ये बनाया, ये 220 फिट है और ये 385 फिट है। मैंने ये 385 फुट को ये अंदर जो है ये कम रहेगा, तो मैंने 300 फुट तक इसको लाइन लगाई। 300 फुट में मैंने 12 फुट के हिसाब से, मतलब 12 × 45 की ये दुकानें निकाली और ये सारी की सारी इसमें पार्किंग दी है, टोटल पार्किंग दे दी। और ये 220 और 45 = 75 145 फुट ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी मैंने पार्किंग छोड़ दी है। तकरीबन ये सारी पार्किंग आ गई है, पार्किंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खुली बन गई है और ये मेन रोड हो गई। और ये जो इन्होंने यहाँ रिजर्व प्लॉट बनाया था किसी हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने यहाँ पर बना दिया। और ये जो रास्ता रहेगा, रास्ता भी इसमें तकरीबन 50 फिट के आसपास रह सकता है। तो मैंने ये बनाया कि इस तरीके से यदि हम बनाए, ये सारे का सारा जो सेलेबल एरिया हो गया, ये सारा फ्रंट को हो गया, क्योंकि यहाँ रोड से बंदा एंटर करेगा, सारे का सारा ही रोड को एंटर कर गया और ये दुकानें इस तरफ हो गई। तो इस इन दुकानों को ये फायदा हो गया कि सामने गाड़ी खड़ी करो, जितनी मर्जी गाड़ी खड़ी करें, जो मर्जी करें। तो इसमें जो मैंने सेलेबल जो निकाला है, मतलब वेस्टेज को छोड़ के, तो सेलेबल जो मैंने निकाला है ये तो निकाल दिया हमने, ये 300 फिट है, 300 को यदि हम 45 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 स्क्वायर यार्ड आता है। और ये 200 ये हमने निकाला है तकरीबन, ये सेलेबल निकाला है 750 गज, तो ये 2250 गज हमारे पास हो गया सेलेबल। और ये जो रिजर्वड है, जो रिजर्वड पड़ा है, ये हो गया हमारा 500 गज। तो ये कुल मिला के हमारा 2750 गज जगह बन गई है। और इसमें हमारी वेस्टेज जो निकली है 1450 गज निकली है, क्योंकि ये 1450 ये 1250 के आसपास निकली, 1250, तो ये 4000 गज। तो ये समझो ये 4000 गज जो है और 1250 गज निकल गई, और इसमें 1800 गज के आसपास वेस्टेज निकल रही है। अब ये देखो, ये जो देखने में है पीछे गलियों में है, यहाँ से ये प्लॉट बेचना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये प्लॉट बेचना कितना मुश्किल हो जाएगा, और ये पीछे जाके ये प्लॉट जो है ये क्या करा है, क्या नहीं करा है, किस तरीके से हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी बेचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारे का सारा ही जो माल है प्रेफरेंशियल माल बन गया,
जो सेलेबल है, तो उन्होंने जो यदि फीसें वगैरह भर के अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इसमें गवर्नमेंट भी उनको जल्दी परमिशंस दे देगी, सीएलयू जो भी उन्होंने लेना मिल जाएगा। इसमें शायद ना मिले, पर ये जो छोटी वाली है ना, इसमें शायद ना मिले प्रॉब्लम, क्योंकि उनके हो सकता मेजर उनका जो क्राइटेरिया है वही 40-45 फुट रोड का हो। तो मेरा मतलब ये है, यदि आपको नक्शा प्रॉपर बनाना आता हो, नक्शा बनाना आप सीख जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी आप अपनी जो वैल्यू है उसमें एडिशन कर लेते हो, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू में एडिशन कर लेते हो। मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान में हमने 35 लाख की प्रॉपर्टी ली थी और 45 लाख रुपए दे रहा था। हमने जब उसको नक्शा बना के समझाया कि इसमें ये निकल सकता है, तो वो 85 लाख रुपए पे आ गया था बंदा। तो इस तरीके से इसमें बहुत आपको फायदा होने वाला है यदि आपको ये नक्शा बनाना तो। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, हम ये ट्रेनिंग में ऐसे नक्शे एक नहीं, हम दसों नक्शे 20 नक्शे बना के आपको समझाते हैं तो ताकि आप बेस्ट जब नक्शा बना लेते हो तो डेफिनेटली उसमें आपका लाभ हो सकता है। जैसे आप ये प्रॉपर्टी है, इसमें जितना वो पैसा बचेगा, मैंने ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरे को दे दो वापस, जो इसमें दुकानें दी हैं उनको पैसे वापस दे दो, और इसमें जो आ जाएगा 1.5 करोड़ रुपये का फर्क आएगा प्रॉफिट का। तो ये फिर हमने जब पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो हम बेस्ट क्यों ना करें, और सारे का सारा माल है जो बहुत जल्द बिक सकता है इनके कंपैरेटिवली। ये पीछे चले गए, ये कहाँ बिकेगा कहाँ नहीं बिकेगा पता नहीं, इसका क्या लगेगा क्या होगा, तो लेकिन ये जो है सारे का सारा प्रेफरेंशियल हो जाएगा, पैसे भी आप ज़्यादा कमा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। वीडियो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।